फिल्म की शुरुआत कोरिया में बने यूएस आर्मी बेस के मुर्दा घर से होती है, जहां एक डॉक्टर अपने असिस्टेंट को एक्सपायर्ड टॉक्सिक केमिकल सिंक में बहा देने को कहता है, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो ये सारा केमिकल हान नदी में चला जाएगा, जिससे वहां के जीवनों को बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनता, इसलिए मजबूरन असिस्टेंट को सारे केमिकल सिंक में बहाना पड़ता है। अब हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां 2 मछुआरे हान नदी में मछलियां पकड़ रहे होते हैं, और तभी उन्हें पानी में एक अजीब सा छोटा क्रीचर दिखाई देता है, जिसे वो एक कप में डाल लेते हैं, पर वो क्रीचर उनके चंगुल से छूटकर भाग जाता है, जिसके बाद ये सीन 4 साल बाद आगे के समय पर मुड़ जाती है, जहाँ गैंगडो नाम का आदमी, जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक ना होने के कारण वो अक्सर बच्चों जैसी हरकत करता रहता है, वहीं गैंगडो जब अपने फूड स्टॉल पर सो रहा होता है कि तभी सीजू नाम का बच्चा उसकी फूड स्टॉल से चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा आदमी उसे भगा देता है, जिसके बाद गैंगडो अपनी बेटी ह्यूनसी के साथ ओलंपिक देख रहा होता है, जिसमें गैंगडो की बहन नैमजो निशानेबाजी का मैच खेल रही होती है, और तभी गैंगडो के पिता हीबोंग उसे कस्टमर का ऑर्डर ले जाने को कहते हैं, इसलिए वो जूस की कैन उस कस्टमर को देने जाता है, जहां सारे लोग ब्रिज के नीचे किसी तरह का खतरनाक क्रीचर को देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो क्रीचर पानी में चला जाता है, और उसके पानी में चले जाने से गैंगडो उस पर जूस कैन फेंक कर मारता है, जिससे वो क्रीचर पकड़ लेता है, पर ये देख सारे लोग अपना सामान फेंक कर उसे मारने लगते हैं, इसलिए वो वहां से भाग जाता है, पर तभी वो क्रीचर नदी से बाहर निकल कर उनकी तरफ भागते हुए आता है, जिसे देख सभी एकदम डर जाते हैं, और अब सारे लोग में हड़कंप मच जाती है। क्रीचर अब उन लोगों पर हमला करके उन्हें खाने लगता है, इसलिए फिर गैंगडो एक साइन बोर्ड को उसकी पूंछ पर मारता है, जिससे उसका खून गैंगडो के ऊपर आ जाता है, और जैसे ही वो क्रीचर उसकी तरफ बढ़ने वाला होता है, गैंगडो वहां से भाग जाता है और फूड स्टॉल पर आकर ह्यूनसू का हाथ पकड़ लेता है और उसे क्रीचर से बचाने के लिए उसके साथ भागने लगता है, पर तभी गैंगडो का पैर फिसल जाने के कारण वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर से उड़कर आगे भागने लगता है, लेकिन जब वो ह्यूनसू की तरफ देखता है तो उसने हड़बड़ी में दूसरी बच्ची का हाथ पकड़ लिया था, जो देख कर वो एकदम घबरा जाता है, वहीं ह्यूनसू पीछे ही गिर गई होती है, और जैसे ही वो उठती है क्रीचर उसे अपनी पूंछ से पकड़कर नदी के अंदर ले जाता है, जो देख कर गैंगडो ह्यूनसू को बचाने नदी में कूद जाता है, पर क्रीचर उससे काफी दूर निकल जाता है, जिससे गैंगडो एकदम दुखी हो जाता है। अब पूरे इलाके में मिलिट्री तैनात हो जाती है और सभी लोगों को एक हॉल में लाया जाता है, वहीं हॉल में क्रीचर द्वारा मारे गए लोगों की फोटोज भी होती है, जिसमें ह्यूनसू की भी फोटो होती है, जिसे देख ही गोंग और गैंगडो रोने लगते हैं, पर तभी वहाँ नैमजू ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती है, लेकिन ह्यूनसू की फोटो देखकर वो भी रोने लगती है, और तब वहाँ गैंगडो का दूसरा भाई नैमली आकर गैंगडो को मारते हुए कहता है कि तुम अगर दूसरी बच्ची का हाथ नहीं पकड़ते तो ह्यूनसू आज हमारे साथ होती, पर इस पर हीबोंग उसे रोक देते हैं। अब कुछ समय बाद वहाँ एक आदमी आकर सभी से कहता है कि जिसे भी क्रीचर ने छुआ है वो सभी अपना हाथ उठाए, जिस पर बेवकूफ गैंगडो तुरंत कहता है कि उसका खून मेरे मुंह पर आ गया था, इसलिए सारे लोग गैंगडो को पकड़कर बैग में डाल देते हैं और उसे सीधे हॉस्पिटल ले आते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि उस क्रीचर में किसी तरह का वायरस भी हो सकता है। अब एक डॉक्टर हीबोंग के पास आकर कहता है कि गैंगडो पर कल सारे टेस्ट होने वाले हैं, इसलिए उसे कुछ भी खाने मत देना, लेकिन रात को चुपके से गैंगडो खाना खाने लगता है, और तभी उसे फोन आता है, जहां दूसरी तरफ ह्यूनसू उससे कह रही होती है कि मैं ब्रिज के नीचे बने नाले के अंदर फंसी हुई हूँ, मुझे आकर बचा लो, और इतना कहकर फोन कट हो जाता है, जो सुनकर गैंगडो हैरान हो जाता है और तुरंत ये बात बाकियों को बताता है, जिसे सुनकर बाकी सभी भी हैरान तो वहीं खुश भी हो जाते हैं कि ह्यूनसू अभी जीवित है। दूसरी तरफ दो आदमी उसी ब्रिज से होकर कहीं जा रहे होते हैं कि तभी एक आदमी को वहाँ एक नोट पड़ा हुआ मिलता है, और जैसे ही वो उसे उठाने जाता है क्रीचर उन दोनों पर हमला करके उन्हें उसी ब्रिज के नाले के पास ले आता है, जहां ह्यूनसू एक टनल के अंदर छिपी होती है, और वो क्रीचर उन दोनों आदमियों के शव को वहीं छोड़कर चला जाता है ताकि बाद में भूख लगने पर वो उन्हें खा सके।
अब उसके जाने के बाद हिंसू उन आदमियों को चेक करती है जिनमें से एक के पास फोन होता है, इसलिए हिंसू उस फोन को अपने पास रख लेती है। इधर गैंगडू और बाकी एक पुलिस वाले से विनती करते हैं कि हिंसू जीवित है जो नाले के नीचे फंसी है, इसलिए हमें वहाँ जाने दो। लेकिन पुलिस वाला दावा करता है कि वो मर चुकी है और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब ई बोंग अपने दोस्त को फोन करके हॉस्पिटल के नीचे एक वैन बुलाता है, जिसके बाद गैंगडो और बाकी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर हॉस्पिटल के स्टाफ उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो सभी जैसे तैसे हॉस्पिटल से भागने में सफल हो जाते हैं, जिसके बाद ही बोंग अपने दोस्त को अपने सारे पैसे देकर बदले में इलाके का नक्शा और कुछ गन्स लेता है, जिसे लेकर वो सभी वैन के अंदर आ जाते हैं, जहां उन्हें टीवी से पता चलता है कि उनके परिवार वालों की फोटोज न्यूज में दिखाकर बताया जा रहा है कि जो भी इन्हें देखकर पुलिस को खबर करेगा उन्हें इनाम दिया जाएगा, जो देखकर ये सभी अब चिंतित होने लगते हैं, पर फिर भी वैन के जरिए ब्रिज की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर आगे आते ही चेक पॉइंट वाले ऑफिसर्स उन्हें रुकाकर उनसे आईडी मांगते हैं, पर आईडी उनके पास नहीं थी, इसलिए मजबूरन हियंगबू गैंगडू को जो पैसे उसने हिंसू को मोबाइल दिलाने के लिए जमा किए थे वो दे देता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से आगे बढ़कर ब्रिज के पास आ जाते हैं, जहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। पर फिर भी वो टॉर्च लेकर अलग अलग टनल में जाकर हिंसू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ सी जो अपने भाई सीजिन के साथ गैंगडू के फूड स्टॉल में आता है और वहां वो दोनों खाने पीने की चीजें चुरा कर बैग में भर लेता है, जिसके बाद वो फूड स्टॉल के बाहर आते हैं, पर तभी उनके पीछे क्रीचर पड़ जाता है जो उन्हें पकड़ कर नाले के अंदर डाल देता है। और उन क्रीचर के जाने के बाद हिंसू उन दोनों को चेक करती है, जिसमें से सीजिन मर चुका होता है पर सीजू जीवित होता है। इधर गैंगडो और बाकी भी आराम करने के लिए फूड स्टॉल में आ जाते हैं और तभी उन्हें बाहर वो क्रीचर दिखाई देता है। ही बोंग अब उस पर गोली चलाता है, जिससे वो क्रीचर उनके फूड स्टॉल पर हमला करके उसे पलट देता है, लेकिन ही बोंग उसे शूट करके धाराशाही कर देता है, जिसके बाद सभी फूड स्टॉल के बाहर आकर क्रीचर पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन वो वहां से भागने लगता है, जिसमें उनकी कई सारे गोलियां बर्बाद हो जाती है और गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस वाले भी उनकी तरफ आने लगते हैं। ही बोंग अब गैंगडो से कहता है कि अगर तुम्हारे गन में गोली है तो मुझे दे दो, जिस पर वो कहता है कि इसमें एक ही गोली है, इसलिए ही बोंग वो गन लेकर अकेले ही क्रीचर को शूट करने जाता है और बाकी को वहां से जाने कहता है। पर जैसे ही बोंग क्रीचर को मारने के लिए ट्रिगर दबाता है उसमें गोली ही नहीं होती, तब गैंगडो को याद आता है कि उसने गोलियों की कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी थी और उसकी इस गलती के कारण वो क्रीचर ही बोंग को अपनी पूंछ से उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वहां से नदी में चला जाता है। और अब उसके जाने के बाद जब सभी ही बोंग के पास आते हैं तो वो अपना दम तोड़ चुका होता है, जो देख सभी एकदम दुखी हो जाते हैं। और तभी वहां पुलिस भी आने लगती है, नैमली अब नैमजू को वहां से ले जाता है, पर गैंगडू का अपने पिता को छोड़ने का दिल नहीं था इसलिए वो उनके पास ही रुकता है, जिससे पुलिस वाले वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। अब हमें न्यूज से पता चलता है कि कोरिया ने अमेरिका के साथ मिलकर एक डिवाइस ब्रिज के पास लगाया है, जिससे जैसे ही क्रीचर वहां आएगा उस पर उस डिवाइस को खोल दिया जाएगा और फिर उसमें से केमिकल क्रीचर्स पर गिरकर उसे मार देंगे। इधर नैमली कॉल सेंटर में काम करने वाले एक दोस्त के पास आता है और उसे हिंसू के फोन सेल की लोकेशन निकालने को कहता है, जिस पर वो उसे अपनी ऑफिस में लेकर आता है, पर वो लोकेशन ट्रेस करने का पासवर्ड भूल जाने का बहाना करके दूसरे केबिन में आ जाता है, जहां कुछ लोग छिपे होते हैं जो नैमली को पकड़ने आए थे, जिसे उसके दोस्त ने इनाम के लालच में उन्हें बुलाया था। वहीं फिर नैमली को एक चिट्ठी पर पासवर्ड लिखा मिल जाता है, इसलिए वो हिंसू के कॉल की लोकेशन निकाल लेता है, पर तभी वहां बाकी लोग उसे पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर कॉल सेंटर के बाहर आकर एक ब्रिज के साइड में छिप जाता है। और तभी वहां कई सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए नैमली ब्रिज से नीचे कूद जाता है और नीचे गिरने के कारण वो घायल हो जाता है। और फिर वो कैसे तो नैमजो को हिंसू की लोकेशन मैसेज करके वहीं बेहोश हो जाता है। इधर नैमजो जैसे ही अपना फोन फूड स्टॉल में आकर चार्ज पर लगाती है उसे हिंसू की लोकेशन मिल जाती है, इसलिए वो तुरंत उस जगह के लिए निकल जाती है, जहां रास्ते में वो गैंगडो को भी फोन करके हिंसू की लोकेशन बता देती है।
पर तभी उसके सामने क्रीचर आ जाता है और अब वो उस पर तीर कमान तान देती है, लेकिन वो उसे ढकल कर एक छोटे टनल के अंदर गिरा देता है जिससे वो उस क्रीचर से बच जाती है क्योंकि क्रीचर का मुंह वहां तक नहीं पहुंच रहा था। इधर यूनसे और सी जो दोनों नाले के नीचे होते हैं और कपड़ों की रस्सी बनाकर उसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है और तभी वहाँ वो क्रीचर भी आ जाता है, इसलिए वो दोनों तुरंत छिप जाते हैं। पर वो क्रीचर उन्हें देख लेता है, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे उससे बच जाते हैं। इधर गेंगडो हॉस्पिटल में होता है जहाँ उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, पर फिर वो फायदा उठाकर अपने ब्लड वाली सीरेंज लेकर एक डॉक्टर के ऊपर रख कर बाकियों को धमकी देता है कि मुझे जाने दो वरना मैं अपना वायरस इसके अंदर डाल दूंगा। इसलिए सभी डर के मारे हट जाते हैं और गेंगडू वहाँ से ब्रिज के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जब नामली को होश आता है तो उसके सामने एक बेघर आदमी होता है जो शराब पी रहा था। वो उस आदमी को कुछ पैसे देकर एक वैन के अंदर आ जाता है और उस आदमी के साथ उस शराब की बोतल से बॉम्ब बनाने लगता है। इधर यूनसे क्रीचर जो वहाँ सो रहा होता है उसकी ऊपर चढ़कर रस्सी से बाहर निकलने का सोचती है, पर वो जैसे ही उसके पास जाती है वो जाग जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। वहीं गेंगडो अब उस नाले के पास आ गया होता है लेकिन उसे यूनसे कहीं दिखाई नहीं देती, और तभी उसे वो क्रीचर दिखाई देता है जिसकी मुंह के अंदर उसे यूनसे का हाथ दिखाई देता है, जो देख वो घबरा जाता है और फिर उसके पीछे भागने लगता है। वहीं नेमजू भी तीर कमान लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। अब वो क्रीचर नदी से होते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ लोग मिलिट्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पर क्रीचर को देख कर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। पुलिस वाले भी अब क्रीचर्स को शूट करने लगते हैं, लेकिन गेंगडू उन्हें शूट करने से मना करता है, पर जैसे ही वो क्रीचर उस डिवाइस के नीचे आता है सारा केमिकल उसके ऊपर गिरा दिया जाता है जिससे वो तड़पने लगता है। और फिर गेंगडू तुरंत उस क्रीचर के पास आता है और उसके मुंह से यूनसे और सीजो को बाहर निकालता है, जहाँ उसे यूनसे मृत दिखाई देती है जो देख वो एकदम टूट जाता है, और फिर उसे लेकर नेमली और नेमजू के पास आता है जो खुद भी यूनसे को मृत देखकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद नेमली क्रीचर पर शराब वाला बॉम्ब फेंकने लगता है, पर वो उससे बच जाता है, इसलिए नेमजू उसके ऊपर बहुत सारा फ्यूल गिरा देता है। और जैसे ही नेमली आखिरी बॉम्ब उसकी तरफ फेंकने वाला होता है, बॉम्ब फिसल कर नीचे गिर जाता है, लेकिन नेमजू अपनी तीर में आग लगाकर उसे सीधे क्रीचर की आँख में मार देती है जिससे उसके पूरी शरीर में आग लग जाती है। और अपनी आग बुझाने के लिए जैसे ही वो नदी की तरफ भागता है, रास्ते में गेंगडू एक रॉड उसके मुंह में घुसा देता है जिससे वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। अब गेंगडू सीजू के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है जो भाग्य से उठ जाती है, इसलिए गेंगडू उसे गोद में लेकर वहाँ से चले जाता है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां गेंगडू सीजू के साथ अपने घर में होता है, क्योंकि सीजू का कोई परिवार ना होने पर उसने उसे अडॉप्ट कर लिया है। वहीं टीवी पर ये न्यूज़ चल रही होती है कि जांच के बाद पता चला है कि उस क्रीचर में कोई वायरस नहीं था, पर गेंगडू सीधे टीवी को बंद करके सीजू के साथ खाना खाने लगता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।